आज कोई भी स्कूल कॉलेज कार्यालय या फिर कोई भी भवन या बिल्डिंग हो, कंस्ट्रक्शन काम को उसको बनाने के लिए बहुत सी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सीमेंट, क्रेशर, सरिया, इन सब में एक क्रेशर भी है जो कि निर्माण काम में बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। स्टोन क्रशर का उपयोग सड़क निर्माण में, पुलों के निर्माण में, बड़े भवनों के निर्माण के काम में, रहने के घरों के निर्माण में और कई काम है जो कि सीमेंट उत्पादों से जुड़े हैं, जैसे आपका पीएससी पोल और भीम के निर्माण में किया जाता है। ये मार्केट में अनेकों साइज जैसे कि 35 mm, 20 mm, 12 mm में अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए आज हम बात करने वाले स्टोन क्रशिंग बिजनेस के बारे में, जिसे आप दोस्तों कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, मशीनें आपको कौन सी लेनी होगी, कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी, कच्चा माल आपको कहाँ से लेना है, कितनी मैन पावर लगानी होगी और कौन कौन से लाइसेंस लेने होंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ऐसे ही दोस्तों कई सारे सवालों के जवाब दोस्तों आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर वन, स्टोन क्रशिंग बिजनेस क्या है। तो क्रेशर एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग लगभग हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन में, फिर चाहे वो कोई सड़क हो, पुल हो या बिल्डिंग हो, जिसके काम में क्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेनाइट और चूना पत्थरों को कच्चे माल के तौर पर उपयोग में लाकर इसको बनाया जाता है। आप ऐसे क्षेत्र में इसका बिजनेस कर सकते हैं जहां पर इस प्रकार के पत्थर ज्यादा हो। आप चाहे तो वहां पर स्टोन क्रशर प्लांट लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की जरूरत को देखते हुए जब किसी बिजनेसमैन द्वारा स्टोन क्रशिंग शुरू करने का काम किया जाता है तो उसे स्टोन क्रशर बनाने का बिजनेस कहा जाता है। पॉइंट नंबर टू, स्टोन क्रशिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी लोकेशन। तो देखिए दोस्तों, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले बिजनेस के लिए जरूरी लोकेशन को देखते हैं। तो इसमें जगह कितनी जरूरी है और आप इस बिजनेस को कितनी जगह में शुरू करेंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी शॉप हो जो आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, उसकी सबसे जरूरी बात यह है कि आप बिजनेस को किस लेवल से शुरू करना चाहते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो आप कम जगह के साथ काम शुरू कर सकते हो, और अगर आप बड़े लेवल से बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको इसमें ज्यादा जगह की जरूरत होगी। जिसमें स्पेस की बात की जाए तो कम से कम 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1500 स्क्वायर फीट उसके अंदर स्पेस होना चाहिए, जिसे आप शहर के बाहर आसपास रख सकते हो। पॉइंट नंबर थ्री, स्टोन क्रशिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी मशीनरी और कच्चा माल। तो दोस्तों जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं जिसमें किसी वस्तु की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसमें मशीन और कच्चे माल की जरूरत होती है, जिसमें इस बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी की लिस्ट में है, जहाँ प्रेशर मशीन 450 से 225 mm 25 हॉर्स पावर की, जहाँ प्रेशर मशीन 350 से 150 mm 25 हॉर्स पावर की, वही 35 mm के लिए रोटरी स्क्रीन और 15 HP मोटर के साथ कन्वेयर बेल्ट, और प्रदूषण नियंत्रण साइक्लोनिंग डस्ट स्टोर कंप्यूटर एंड प्रिंटर मशीन। तो ये दोस्तों आपको कुछ मशीनरी चाहिए होंगी। वहीं दोस्तों स्टोन क्रशिंग बिजनेस के लिए कच्चे माल की बात करें तो आपको जरूरी कच्चे माल की जरूरत होती है, जिसके लिए ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कच्चा माल चट्टानों से भी प्राप्त किया जा सकता है। कच्चा माल आप दोस्तों सीधे खदान के मालिक से भी खरीद सकते हैं, या फिर इसके लिए आप खुद भी कोई खदान पट्टे या लीज पर लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई खदान पट्टे पर लेकर अपने बिजनेस को आर्थिक रूप से अच्छे से चलाते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद और प्रॉफिटेबल साबित होगा। पॉइंट नंबर फोर, स्टोन क्रशिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करते तो आपके कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और कुछ आपके बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। इसमें दोस्तों बात करें श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय में श्रमिक सुरक्षा चीजों के लिए औपचारिकताएं आपको करनी पड़ती है। इसी के साथ नगर निगम, नगर पालिका से लाइसेंस की जरूरत होती है। स्टोन क्रशर बिजनेस को फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत करना पड़ता है। बिजनेस शुरू करने वाले को SMPV रूल और MSIHC रूल सबका पालन करना पड़ता है, और वहीं आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है, प्लस PF और ESI की रजिस्ट्रेशन करने की भी आपको जरूरत होती है। तो ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर फाइव, स्टोन क्रशिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में मैन पावर कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस में कर्मचारियों की जरूरत बिजनेस के लेवल को देखकर तय की जाती है, क्योंकि आप इस बात के बारे में पूरी तरह से सोच ले कि आप बिजनेस को कितना बड़ा या छोटा रखना चाहते हैं। अगर आप बड़ा बिजनेस करते हो तो उसमें आपको ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, जिनमें कि सबके काम अलग अलग होंगे और कुछ कुशल कारीगर भी रखने होंगे। और अगर आप दोस्तों छोटे लेवल से शुरू करते तो आपको कम लोगों की जरूरत होगी, जिसमें आप 4 से 5 लोग रखकर शुरू कर सकते हो। और दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप एक बड़े लेवल पर बिजनेस को करते हो तो आपको इसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी,
साथ ही दोस्तों ध्यान दें, आपको ऐसे लोगों को रखना है जो इस काम को अच्छे से जानते हो और पूरी तरह इसको अच्छे से कर सके। पॉइंट नंबर 6, स्टोन क्रशिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए मार्केटिंग। तो दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मार्केटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आपके बिजनेस को चलाना आसान नहीं होगा। आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके लिए आपको मार्केटिंग के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए आपके बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट का होना आपके बिजनेस को बढ़ाने में काफी मदद करेगा। इसी के साथ साथ आपके संबंध भी जान पहचान करने से बनते हैं, इसके लिए आपको एक अच्छी सी जगह पर एक ऑफिस बनाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको इसकी मार्केटिंग के लिए अखबार में, टीवी पर या ऑनलाइन माध्यम से एडवर्टाइजिंग भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों तक आपके बिजनेस की जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ सके और कोशिश करें शुरू में मार्केट से अपने प्राइस एक दो रुपए सस्ता रखें। पॉइंट नंबर 7, अब दोस्तों बात आती है आपका स्टोन क्रशिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होने वाला है और कितना आप इससे दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर निवेश इस बिजनेस और जमीन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके अंदर आपका कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और खुद की जमीन है तो दोस्तों आपका कम पैसों में भी काम चल सकता है, वरना जमीन किराए पर लेते हो या खरीदते हो तो उसके अंदर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इसके अंदर मशीन भी कई तरह की आती है और सभी के रेट भी दोस्तों अलग अलग है, इनके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। इनके बाद इस बिजनेस को अच्छे लेवल पर शुरू करने के लिए मशीन खरीदनी पड़ती है, बिल्डिंग बनानी पड़ती है जिसके अंदर मशीन लगेगी, और स्टॉक रखने के लिए, सीज के लिए बिल्डिंग, फिर बिजली पानी की सुविधा और कच्चा माल, वाहन, सभी के लिए दोस्तों अलग अलग इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करना पड़ता है। इसमें दोस्तों लागत की बात करें तो समथिंग आपका 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक की आपकी लागत आएगी, और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप पहले से चल रहे स्टोन क्रशिंग कंपनी के मालिक से बात कर सकते हो, जहाँ से आपको इस बिजनेस के बारे में ए टू जेड जानकारी आपकी मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप यहाँ पे सेकंड हैंड मशीनों से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपका इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम आएगा। अब दोस्तों वहीं इसमें अर्निंग की बात करें तो दोस्तों देखिए प्रॉफिट की बात, कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते तो तब हम उसके अंदर किए जाने वाले निवेश, कच्चे माल, कर्मचारी सबके बारे में दिमाग लगा लेते हैं, उसी समय दोस्तों हम इससे होने वाले लाभ के बारे में भी पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए। अगर दोस्तों इस बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि स्टोन क्रशर का इस्तेमाल कई निर्माण गतिविधियों में कच्चे माल के तौर पर किया जाता है, जैसे सड़कों, पुलों, इमारतों, नहरों को बनाने का काम। इन सबके अलावा दोस्तों सड़कों, फ्लाईओवर, बाईपास के लिए निर्माण के लिए क्रशर स्टोन की देश में लगातार जरूरत है। देश में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो दोस्तों प्रगति पर हैं और कुछ जल्दी ही शुरू होने वाली है। इन सबके अनुसार दोस्तों आप इस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट के बारे में अनुमान लगा सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप स्टोन क्रशिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों आप इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके नियर बाय में जो भी स्टोन क्रशिंग का बिजनेस पहले से चल रहा है उसके मालिक से जाकर आप बात कर सकते हो और इस बिजनेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के मैं क्या करेगा।